हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम जानने वाले हैं मीनिंग द पीकॉक इज ब्यूटीफुल पोएम का। दोस्तों आपको पता होगा पीकॉक यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो जब सुजाता भट्ट ने अपने पोएम का टाइटल या अपने पोएम का सब्जेक्ट एक पीकॉक को चुना, एक मोर को चुना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे देश प्रेम की एक भावना झलकती है। इसका रीज़न यह है कि पोएट सुजाता भट्ट अपने बचपन से ही देश को छोड़ के जा चुकी थी और उनका अपने देश के प्रति एक कनेक्शन हमेशा बना हुआ था। तो चलो अब देखते हैं इस पोएम में आखिर सुजाता भट्ट क्या कहना चाहती हैं। वो कहती हैं, हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब यहाँ पे पहले दो लाइन्स के अंदर ही हमें एक इमेजरी क्रिएट होती हुई नज़र आती है। क्या इमेज है वो? वो इमेज है एक रूरल बैकग्राउंड की, क्योंकि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी शहरी वातावरण में, किसी अर्बन एटमॉस्फेयर के अंदर आपको मोर का आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये पहले दो लाइन सुनते हो तो आप अपने आप एक इमेजरी में खो जाते हो। इमेजरी क्या है? वो है इमेजरी रूरल इंडिया की, ग्रामीण भारत की, जिसमें आप सुनते हो एक लाउड शार्प कॉल, एक तीखा और ज़ोरदार आवाज़। वो आवाज़ होता है मोर का, और जब वो आवाज़ आप सुनते हो तो आपको ऐसे प्रतीत होता है, आपको ऐसे प्रतीत होता है कि वो आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रहा है, मतलब वो हर तरह से आ रहा है। जो मोर का आवाज़ अगर आपने कभी सुना होगा, जब मोर आवाज़ देता है तो वो आवाज़ हर एक दिशा से उसकी ध्वनि आते हुए प्रतीत होती है। तो इसलिए पोएट कहती है इट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, ऐसे लगता है जैसे वो कहीं से भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो हर जगह से आ रहा है। आगे वो कहती है देन अ फ्लैश ऑफ टर्कवाइज इन द पीपल ट्री, और उसके बाद वो कहती है, उसके बाद क्या होता है, एक फ्लैश मिलता है। फ्लैश मतलब एक झलक मिलती है किसकी? ऑफ टर्कवाइज। टर्कवाइज क्या होता है? टर्कवाइज होता है एक, आप मान लो एक गहने में यूज़ किया जाने वाला कोई बहुमूल्य रत्न या बहुमूल्य पत्थर आप मान लो, जिसका रंग होता है हरा और नीला, इन दोनों के बीच का, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का टर्कवाइज होता है। और वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का फ्लैश ऑफ टर्कवाइज, यानी कि गहना आपको एक पल के लिए देखने को मिला। कहाँ पे? इन द पीपल ट्री, जो पीपल के पेड़ होते हैं, गाँव में आपने देखा होगा बहुत से पीपल के पेड़ होते हैं, तो पीपल के पेड़ों के बीच एक झलक आपको देखने को मिली टर्कवाइज की। द स्लेंडर नेक आर्च अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स, और उसके बाद आपने क्या देखा? आपने देखा जो मोर की नेक होती है, वो मोर कुछ इस तरह से स्लेंडर नेक, उसके जो नाजुक सी नेक है वो आपसे दूर झुकी हुई है, और उसके बाद क्या होता है, वो नीचे डिसेंड करता है, वो नीचे अवतरित होता है, नीचे ज़मीन पे उतरता है। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और फिर जैसे ही वो डार्ट्स अवे, जिस तरह आपने देखा हो जो डार्ट का खेल आप खेलते हो, जिसमें सामने इस तरह का एक बोर्ड होता है जिस पे आप निशाना लगाते हो डार्ट से, तो जब आप डार्ट इस तरह से फेंकते हो तो डार्ट के पीछे क्या होता है, कुछ इस तरह का आपको पीछे से एक झोंका देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से वो कह रहे, जिस तरह से डार्ट आप ऐसे सामने टारगेट पे फेंकते हो, ठीक उसी तरह से जो मोर है वो डार्ट अवे, वो आपसे दूर किसी डार्ट की तरह चला जाता है, और उसका जो ग्लिम्स है, उसकी जो झलक है, आपको आखिरी झलक मिलती है उसके टेल की, जो उसकी टेल है, जो पूंछ है मोर की, वो आपको देखने मिलती है। उसके बाद वो कहते हैं आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा एंड रीड अ बुक, और वो कह रहे हैं कि आई वॉज टोल्ड, इसका मतलब है उन्हें किसी ने ये बताया, क्या बताया, कि यू हैव टू सिट इन द वरांडा, आपको वरांडा में बैठना चाहिए और किताब पढ़नी चाहिए, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, और वो जो किताब है वो प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि वो आपकी फेवरेट हो, आपकी मनपसंद किताब हो, विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और आपकी मनपसंद किताब को
ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, पूरी मन लगा के अपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपकी मनपसंद बुक आप किताब आपको पढ़नी चाहिए. द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू. और वो करें कि द मोमेंट, वो ऐसा एक क्षण आ जाएगा जब आप उस किताब के अंदर जीना शुरू कर दोगे. कहने का अर्थ क्या हुआ, जब आप आपकी मन पसंदीदा कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप उस किताब के अंदर कहीं खो जाते हो. तो उसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि जब आप उस किताब के अंदर जीना शुरू कर दें, जब आप उस किताब में खो जाएं, तो क्या होगा, एक ब्लू कलर की, एक नीले कलर की शैडो, एक परछाई आपके ऊपर गिरने लगेगी. द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और उसके बाद जो हवाएं हैं वो अपनी दिशा बदल देंगी. द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और फिर जो नज़दीक के बुशेस होते हैं, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर जो बीज, जो मधुमक्खियों की आवाज़ आपको आ रही थी, हम करके जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ रुक जाएगी. द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, और जो बिल्ली आपके घर में सोई थी वो क्या हो जाएगी, अवेकन हो जाएगी, वो नींद से जग जाएगी और ख़ुद को स्ट्रेच करेगी. आपने देखा होगा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब आप पढ़ रहे हो तो आप इनको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो. इस तरह की ब्यूटीफुल इमेजरी इस पोएम के अंदर पोएट ने क्रिएट की है. जब आप पढ़ते हो द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, तो आपके आँखों के सामने एक बिल्ली अपनी इस तरह से सोई हुई आँखों से, ऐसे पहले सोई हुई थी और फिर वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच करने लगती है, आपने देखा होगा. तो ये सारी इमेजरी आपके आँखों के सामने क्रिएट हो रही है. समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भंग कर देती है, तोड़ देती है. एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और अगर आप वक्त रहते ऊपर की ओर देख लेंगे, यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल. और अगर आपने समय रहते देख लिया तो आप क्या देख पाओगे, माइट एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप पीकॉक को, एक मोर को आपसे दूर जाते हुए, टर्न अवे, आपसे दूर जाते हुए देखोगे, जब वो अपने पंख को, जो अपनी पूंछ है उसको समेट रहा होता है, गैदर कर रहा होता है. टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, और वो जब अपने पूंछ को बंद कर रहा होता है, गैदर कर रहा, समेट रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसके जो ग्लोइंग आइज है, तो यहाँ पे आइज किसे कहा जा रहा है, आपने देखा होगा जो मोर पंख होता है, मोर पंख के ऊपर कुछ इस तरह की आकृति होती है जो आँखों की भांति प्रतीत होती है. तो जो मोर के पूंछ के ऊपर जो मोर पंख हैं, उन आँखों को, उन डार्क ग्लोइंग चमकीली आँखों को वो क्या कर रहा होता है, क्लोज कर रहा होता है, बंद कर रहा होता है. और वो आँखें कैसे, वायलेट फ्रिंज्ड, उसका जो किनारा है उन आँखों का वो वायलेट कलर का है, विद गोल्डन एम्बर, और उसके अंदर गोल्डन एम्बर, गोल्डन एम्बर मतलब लाल, एम्बर का मतलब लाल और गोल्डन मतलब सुनहरा, लाल और सुनहरे कलर का मिश्रण उसके अंदरूनी हिस्से में है. इन द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन, और वो करें कि इट इज़ द टेल, जो टेल है उसे क्या करना पड़ेगा, ब्लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोर है वो, उसकी आँखें हमेशा ओपन रहती है, या उसके पंखों के ऊपर जो आँखें हैं वो हमेशा ओपन रहती है. इसलिए जो टेल है, जो पूंछ है, उसी को बंद और खुलना या बंद करना, इस तरह के आकृति या इस तरह के एक्शन लेनी होगी. तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग अच्छे से समझ के, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.